गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कपिल राणा पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर से। अभी तक हमने 8th क्लास में मैथ में 6.4 के 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज मैं कराने जा रहा हूँ 6th क्वेश्चन। तो अभी तक आपने क्या किया होगा कि उनका अभ्यास क्या होगा, फेयर कॉपी में क्या होगा और अच्छे से उस क्वेश्चनों को समझा होगा। तो आज मैं कराने जा रहा हूँ 6th क्वेश्चन, तो ध्यान से समझेंगे इसे। 6th में दे रखा है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा या भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा का स्क्वायर, ये हो गया 441। तो 441 के बाद आप इसमें क्या करेंगे, इसमें कि सूत्र को खोलेंगे तो ये हो जाएगा भुजा बराबर। अब जब वर्ग हटता है तो दूसरी साइड का, दूसरी तरफ का क्या निकलता है, वर्गमूल निकलता है। और वर्गमूल के लिए मैंने बताया था कि आपको क्या करना होता है, दो दो का जोड़ा बनाना होता है। ठीक है, तो 441 इसका हो जाएगा 21 मीटर। तो यह आंसर आ गया भुजा, वर्ग की भुजा की लंबाई, वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर हो गया 21 मीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया, तो इसे ध्यान से करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं 7th। सातवें क्वेश्चन में कहा है, किसी समकोण त्रिभुज एबीसीडी में एबीसी में कोण बी समकोण है। इसमें कोण बी समकोण दे रखा है, तो आप सातवें में पहले पार्ट में करेंगे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जब एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो कोण बी को आप क्या कर देंगे, समकोण कर देंगे। तो ए ये हो गया और सी ये हो गया। उसके बाद इसमें भुजा दे रखी है एबी बराबर 6, बीसी बराबर 8। एबी बराबर 6 और BC बराबर 8 सेंटीमीटर। हमें AC का मान ज्ञात करना है। तो जब भी समकोण त्रिभुज की बात होती है तो हमारे दिमाग में क्या बातें आनी चाहिए, या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगेगा पहली बात है, या त्रिभुज का परिमाप लगेगा, या तीसरी बात लगेगी पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी तो ये होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण निकालना है, कर्ण क्या होता है, तिरछा होता है, कर्ण हमेशा तिरछा होगा ये वाला। लंब का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर 6×36 प्लस 8×64, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100। और कर्ण निकालोगे तो उधर क्या निकालना पड़ेगा आपको, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, क्योंकि 10 दहम क्या हो गया आपका 100 हो गया, इसलिए इसका आंसर आ गया 10। और इसमें क्या है सेंटीमीटर में, इसलिए 10 सेंटीमीटर। इसका दूसरा भाग आप खुद करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अब करेंगे 8th क्वेश्चन। एक माली के पास 1000 पौधे हैं, इन पौधों को इस प्रकार से लगाना चाहिए कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। 8th क्वेश्चन में हमारे पास कहा है, पंक्तियों की संख्या बराबर कॉलम की संख्या, ये दोनों हमारे पास क्या रहने चाहिए, बराबर रहने चाहिए। यानी कि जितना इधर आएगा उतना ही दूसरी तरफ आएगा। तो इसमें 1000 पौधे दे रखे हैं, इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता है। तो 1000 का हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, जोड़ा बनाएंगे 3×9, 10 में देंगे पहले, ये 3 यहाँ जुड़ता है, आपको पहले भी बता दिया है 0 और 0। ठीक है, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा और 2 जीरो हमने उतार लिए। आप क्या करेंगे, 2 बार को ज्यादा हो जाएगा इसलिए 1 बार, तो ये हो जाएगा आपका 61 एकम 61।
9 और 3, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास जो संख्या बचती है वो हमारे पास संख्या क्या बचती है, 31। तो क्या हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या भी 31 हो जाएगी और कॉलम की संख्या भी 31 हो जाएगी। हम 39 पौधों को अलग कर देंगे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर आनी चाहिए। तो 31 बराबर 31 कर देंगे, तो ये हो जाएगा पंक्तियों की संख्या बराबर हो गई आपकी 31, उसी प्रकार से कॉलम की संख्या भी हो गई आपकी 31। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया, 31 गुणा 31 आपका 961 होता है। 961 में आप 39 जोड़ देंगे तो 1000 आ जाएगा। तो जो 39 पेड़ है वो आप कर क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, पीटी के अभ्यास में इन्हें इस तरह खड़ा किया गया है, पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या की। इसमें भी क्या रखा है, पंक्तियों की संख्या बराबर क्या रहना चाहिए, कॉलम की संख्या। मगर हमारे पास है कितने, आपके पास 500 है, तो 500 का हम वर्गमूल निकालते हैं, जोड़ा बनाया सिंगल रह गया, तो 2×2=4, 1 0। अब 3 बार दोगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार, तो ये हो जाएगा आपका 84, ये हो गया आपका 16, ठीक है। तो आपके क्या आगे, पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 22 आ गई, और कॉलम की संख्या कितनी आ गई, वो भी 22 आ गई। पंक्तियों की संख्या बराबर 22 और कॉलम की संख्या बराबर हो गई आपकी 22। अब इसे चेक करने का ये हो गया कि आप 22 का स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 484 हो जाएगा, इसमें 16 जोड़ोगे तो आएगा 500। इस प्रकार से 16 बच्चे हम अलग कर देंगे क्योंकि हम उसे सेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए 16 बच्चे क्या कर दिए, अलग कर दिए, हमारे शेष रह गए थे 16 बच्चे। इस प्रकार से यह अध्याय कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अगला अध्याय कराऊंगा जिसका नाम है घन और घनमूल, ठीक है। तब तक इन क्वेश्चनों का अभ्यास करिएगा और अच्छे से करिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6, 7, 8, 9 इंपॉर्टेंट है। आगे के क्वेश्चन आपने अभ्यास कर लिया होगा तो इनका भी अभ्यास उसी प्रकार करिएगा और फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। धन्यवाद।